इतिहास के महान शूरवीरों को जन्म देने वाली भारत भूमि के कण कण में वीर गाथाएं बसती हैं। भारत की इस वीर उर्वरा वसुंधरा पर वीर गाथाओं की इस सूची में नया अध्याय उस समय जुड़ा जब 18 अगस्त 1700 के दिन पेशवा बालाजी विश्वनाथ के घर पुत्र बाजीराव ने जन्म लिया, जिन्हें ऐतिहासिक ग्रंथों में बाजीराव प्रथम के रूप में संबोधित किया जाता है। इन्होंने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। छत्रपति शिवाजी के बाद मराठा शक्ति को पुनर्स्थापित करने और मराठा साम्राज्य को अखिल भारतीय शक्ति बनाने का श्रेय इसी महान योद्धा को जाता है। पिता की मृत्यु के बाद अप्रैल 1720 को जब छत्रपति शाहू जी ने बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया, उस समय मराठा राज्य सीमित था एवं शक्ति संग्रह कर रहा था। वहीं पतन की ओर अग्रसर मुगल साम्राज्य ही उस समय देश के अधिकांश क्षेत्रों में प्रभावी था, लेकिन बाजीराव ने मुगल साम्राज्य का सटीक आंकलन करते हुए छत्रपति से आग्रह किया, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। अपनी इस रणनीति के द्वारा पेशवा बाजीराव जब मराठा साम्राज्य को विस्तार दे रहे थे, उसी समय निजाम चिनकुलिज खान, जो मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा शत्रु बनकर उभर रहा था, उसे 28 फरवरी 1728 को महाराष्ट्र के पालखेड़ में एक भीषण युद्ध में हराकर उसकी आक्रामकता को विराम दिया। ये एक ऐसी विजय थी जो आज भी सैन्य विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित करती है। रणनीति के अनुसार लक्ष्य पर केंद्रित बाजीराव ने पहले मालवा, फिर बुंदेलखंड में अपनी विजय पताका फहराई और मोहम्मद खान बंगश को परास्त कर महाराजा छत्रसाल को अभय प्रदान किया। इस नवीन विजित क्षेत्र के राजस्व और क्षेत्राधिकार को दृढ़ता प्रदान करने के लिए पेशवा ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यह अभियान पूर्णतः सफल रहा, लेकिन इस अपमान से बौखलाए मुगल बादशाह ने निजामुल मुल्क और सादत खान जैसे अपने बड़े सैन्य सरदारों को बाजीराव पर संयुक्त आक्रमण के लिए भेजा। पेशवा ने अपने से कई गुना बड़ी इस सेना को भोपाल के पास युद्ध में परास्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप तुराह सराय की संधि के द्वारा मालवा के साथ नर्मदा और चंबल के क्षेत्र भी मराठा राज्य में सम्मिलित कर लिए गए। 20 वर्षों के अथक परिश्रम के कारण पेशवा बाजीराव का स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। सैन्य शिविर में भीषण ज्वर के प्रकोप के कारण 28 अप्रैल 1740 को मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा तट पर स्थित ग्राम रावेर खेड़ी में उनकी यह पराक्रमी जीवन यात्रा संपन्न हुई। ऐसे वीर प्रतापी अजेय योद्धा, कुशल रणनीतिकार एवं भारत के सच्चे सपूत पेशवा बाजीराव प्रथम को मध्य प्रदेश की धरती नमन करती है।